देखो, कल हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ रहे थे। मैंने क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कौन से होते हैं, जहां पे मल्टीप्लाई से आप प्लस में जा रहे हो या प्लस से माइनस में चले जाओ, सॉरी मल्टीप्लाई में चले जाओ, शिफ्टिंग हो रही है मतलब। ठीक है, कोई मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, उसमें कोई मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, आप उसको कन्वर्ट करके किसमें कर रहे हो, प्लस में कर रहे हो। आज हम क्या कर रहे हैं, आज भी उसी का ये एक सेकेंड पार्ट है। कुछ फॉर्मूले, जैसे तुमने टू साइन ए साइन बी, टू कोस ए कोस बी वाले फॉर्मूले पढ़े ना, उसी से डिराइव करके चार फॉर्मूले और तुम निकाल सकते हो, जिनको यूजुअली सी डी फॉर्मूले बोला जाता है। ठीक है, चार ही है, चारों को तुम डिराइव कर सकते हो इजीली, जो तुम पीछे पढ़ के आए हो, अगर उसकी नॉलेज है या याद है तो। देखो, पहला कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है ये? ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। अब देखो ये आया कहाँ से है, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना फॉर्मूला, ये लास्ट क्लास में करवाया था मैंने। क्या था इसका फॉर्मूला, किसी को याद? मैम साइन 2a। नहीं नहीं बेटा, अच्छा हाँ अच्छा वो हाँ तो वो ठीक है, वो तो ठीक, वो भी तुम गलत बोल रहे हो। वो उसमें होता है टू साइन ए कोस, एंगल सेम होना चाहिए आपका, यहाँ पे मैम एंगल अलग अलग है। ठीक है, तो वो यहाँ लगा ही नहीं सकते। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आप पढ़ गए हो, तो इसी में कुछ चेंजेस करके हम ऊपर वाले फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। क्या चेंजेस करो, देखो मैं सपोज मान लेती हूँ क्या कि ए प्लस बी क्या है, मैं इसको मान लेती हूँ सी के इक्वल, और ए माइनस बी को क्या मान लेती हूँ, डी। ठीक है, डी तो यहां से मेरे को अगर ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, क्या सी प्लस डी बाई टू के इक्वल आ जाएगा? ठीक यस मैम है, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देती तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, सी माइनस डी बाई टू। बस ये ए और बी की वैल्यू अब आप उसमें जाके पुट कर दो, वो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। करो एक बार, आ रहा है क्या ऊपर वाला फॉर्मूला? यस मैम। आ रहा है, ए की जगह क्या पुट करना है, सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा और टू बी की जगह पे सी माइनस डी साइन बाय सी टू। प्लस डी बाई टू कोस, सॉरी बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई टू, ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी को आपने क्या पुट किया है, सी, और ए माइनस बी को डी, तो साइन सी प्लस साइन डी आ गया, वही वाला ये जो फॉर्मूला है। बट आप इसको मैम याद करोगे तो ऐसे मत याद करना, यस मैम आप इसको याद कैसे करना, पहले ये पढ़ना उसके बाद ये, मतलब इसका फॉर्मूला ये है, साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, क्या इसी तरीके से आप इसका निकाल सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी। देखो पीछे हमने ये वाली इक्वेशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, अब बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? टू कोसे साइन डी का कर ले, यस मैम उससे क्या आया था रिजल्ट आपका? जब कोस आगे हो गया साइन मैम पीछे हो गया तो साइन रिजल्ट ए था, बीच में माइनस आ जाएगा जो पीछे आपने लिखा था। ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस तो अब वही चीज करनी है, ए प्लस बी को क्या पुट करो, सी, ए माइनस बी को क्या पुट करो, डी। निकालो फॉर्मूला क्या आएगा, चेक करो यहाँ से, अब तुम निकाल सकते हो, ऐड करो माइनस करो, देखो क्या आ रहा है, फटाफट बताओ। मैम 2 cos ब्रैकेट में c प्लस d बाय 2 इनटू साइन ब्रैकेट में c माइनस d बाय 2। 2 cos c
प्लस डी बाय टू इंटू में साइन सी, सी माइनस डी बाय टू। सबका आ रहा है क्या ये? यस मैम। ठीक है, तो बाकी दोनों मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, प्रूफ तुम घर पे कर लेना। कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल हो जाएगा? देखो साइन वाले मैंने कर लिए, कोस सी प्लस कोस डी हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। इसको कौन से फॉर्मूले से प्रूव करोगे वो भी लिख लो, अगर तुम्हें प्रूव करना हो तो। ये वाला जो था ना आपका टू कॉस ए कॉस बी वाला, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फोर्थ आपका कौन सा हो गया? कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या हो जाएगा? टू साइन, नहीं नहीं टू साइन में जाएगा बेटा, ये थोड़ा अलग है। साइन डी, ये भी याद रखना डी माइनस सी बाई टू है। अगर तुम डी माइनस सी नहीं लिखो, मान लो तुम जैसे अब ये पीछे फॉर्मूले पढ़ के आ रहे हो, इसमें सब में क्या है, सी माइनस डी सी माइनस डी, तो अगर तुम इसको सी माइनस डी लिखोगे, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो टू साइन सी प्लस डी बाई टू तो एज इट इज। मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे जनरल पीछे लिखती आ रही हूँ ना, डी माइनस सी माइनस डी हो जाए तो मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा फॉर्मूला याद करना। मैं क्या करती हूँ, माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लो तो सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। अब साइन के अंदर माइनस होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, पढ़ गया है ये? यस मैम। यस मैम। ये माइनस बाहर निकाल लो बस, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये चार फॉर्मूले लिखवाए, याद हो जाएंगे, करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं। ठीक है, सी डी फॉर्मूले हैं चार, हैं कौन से कौन से? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। कुछ ना कुछ अपने ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इनके इनको मतलब ऐसे ही रटने बैठ जाओ, ट्रिक्स लग जाती है इनमें, पैटर्न सा फॉलो हो रहा है, तो तुम लगा सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर। पहले एक मिनट ये वाला करना, ये छोटा इजी है, ये वाला करो, सीधा सी डी फॉर्मूला लगना है। अच्छा एक बार देखो, सी डी फॉर्मूले में क्या था? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। तो कोस कोस और साइन साइन होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कोस और साइन है, तो इसमें तो हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते सी डी वाला। तो क्या कुछ चेंज कर सकते हो कि या तो ऊपर कोस में ही चेंज हो जाए या साइन में ही चेंज हो जाए? भाई एक कॉस 40 एक साइन 70 है, अगर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि ऊपर दोनों ही जो भी मेरे लिखे हुए हैं ये कॉस में आ जाए, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी सीडी वाला। बताओ अब मैं कैसे चेंज करूँ इसको, कुछ ना कुछ फेर बदल कर सकती हूँ मैं। साइन को चेंज कर दो। हाँ साइन को चेंज कर दो, चेंज तो तुम कॉस को भी कर सकते हो, साइन को चेंज कर दो। क्या आ रहा है साइन को चेंज करने से, कैसे होएगा ये कन्वर्ट कॉस में? मैम कॉस 90 माइनस 20 सॉरी साइन 90 माइनस 20 20 यस मैम। मैम कॉस 90 माइनस 70 ये किसको चेंज कर रहे हो तुम? मैम कॉस 40 प्लस कॉस 90 माइनस 20 साइन को छोड़ो, इसको चेंज करो एक बार। अगर इसको साइन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे? साइन किस पे? देखो कोस से जाना है साइन पे, तो ऑड मल्टीपल वाला लू या इवन मल्टीपल वाला लू? ऑड। तुम ही बताओगे बेटा इसका, सारे बताओगे एक बार। कौन दे रहा है आंसर मुझे? हाँ ऑड वाला लूंगी। तो कॉस 40 किसके इक्वल होएगा? कॉस साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? इसको मैं लिख दूं, क्या लिखूं इसको? कॉस 50। कॉस 50 नहीं, कॉस 50 ये तो कोस से तो तुमने चेंज कर ही लिया साइन, अब तुम कह रहे हो दोबारा इसको कोस से करो, तो फायदा क्या हुआ फिर उसका? बोलो
मैं चाह रही हूं कि मैं कोस को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, कोस को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने कोस को लिख दिया, कोस 40 को लिख दिया साइन 90 माइनस 50। अब तुम कह रहे हो उसको दोबारा कोस 50 लिख दो, तो क्या फायदा हुआ फिर? मैम साइन, कोई फायदा नहीं हुआ। नीचे वाले पे यस आओ, मैम, नीचे वाले पे चेंज करके देखो एक बार, साइन 40 कोस 70 है, इसमें किसको चेंज करोगे? साइन 40 को चेंज करके देखो, कैसे करोगे चेंज? कॉस 90 माइनस 50। कोस 50 की वैल्यू चेक करो किसके बराबर होती है, क्या साइन 40 क्रिएट कर सकते हो कोस 50 से तुम? कॉस 50 से साइन 40 क्रिएट कर सकते हो? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? यस मैम, यस तो मैम, वहां गड़बड़ क्या हो रही थी? अब चेक करो, मैंने मैम वहां पे पहले ही साइन बदल कॉस दिया नाइनटी माइनस फिफ्टी होगा मैम, है ना, मैंने मतलब तुमने ये यस मैम, गड़बड़ नहीं पकड़ी, मैंने क्या कर रखा है, पहले ही बदल दिया। ये तो क्या बनेगा, कॉस 50 बनी तो वैसे ही कॉस 40 के इक्वल नहीं है, यस समझ मैम, आया तुमने गलती क्या की है? अच्छा तो अब मैं क्या लिखूं इसको यहाँ पे साइन हटा के? कॉस, मैम कॉस ये क्या हो जाएगा अब, साइन 50, साइन फिफ्टी, ठीक है। तो ऊपर कॉस 40 को चेंज करके लिख दो साइन 50 प्लस साइन 70, और नीचे क्या लिखोगे? साइन 40 कॉस तुमने किसको चेंज किया है? नीचे साइन 40 को चेंज करके तुम क्या लिख सकते हो? कॉस 50। अब लगा दो सीडी फॉर्मूला, ऊपर लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, नीचे लग रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी। लगाओ फॉर्मूले, नोट कर लिए थे ना तुमने? फॉर्मूले यस मैम, यस लगाओ, बस मैम, इसमें आंसर ही निकालना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? मैम टू टू साइन सी साइन, प्लस डी टू साइन, बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक यस मैम, है। और एक क्या है आपका, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या था? मैम टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यस बस ये दोनों अप्लाई कर दो आप, सी की ऊपर में वैल्यू 50 है, डी की वैल्यू 70 है, बस पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 120। 120 बाय टू कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। कॉस सी माइनस डी बाय टू, 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा? मैम -20, माइनस 20 और अपॉन में 2, ठीक है। नीचे है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, टू कॉस सी प्लस डी, 50 प्लस 70 ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। और कॉस सी माइनस डी बाय टू कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट तो गया आपका, ये भी गया, बच क्या गया? टेन सिक्सटी। टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है? √3। मैम √3, √3। क्लियर है, कर लोगे? यस मैम, चलो यस आगे, मैम, हाँ समीक्षा ठीक यस है। मैम, चलो नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो अब। अब देखो इसमें भी तुम्हें पेयरिंग करनी पड़ेगी, चार चार ऊपर लिखे हुए, चार नीचे लिखे हुए हैं, लगे तो फॉर्मूला सीडी फॉर्मूला ही गा, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस में लगा सकते हो फॉर्मूला। सपोज मैं मैम पहले एलाइड एंगल्स निकालेंगे ना इसमें? बेटा, इसमें अलाइड एंगल्स कैसे निकालोगे? मतलब इसमें तो जैसे मान लो ऐड कर रहे हो तो 8a आएगा, तो आपको क्या पता हो क्या है, तो उसमें पता नहीं चलेगा ना। पहले तो हमें 90 डिग्री 80 डिग्री इस तरीके से पता चल रहा था, समझ रहे हो? मान लो आपने ये दोनों यस पेयर ले मैम, लिए, तो इनका सम करोगे एंगल का, तो 8a आ रहा है, तो 8a को कैसे मतलब क्या सोच के लिखोगे 90s के मल्टीपल में या जो भी है? तो कौन सा पेयर बनाऊं मैं? पहले लास्ट फर्स्ट का और लास्ट का बना लो, और बीच के दोनों का बना लो। बनाओ एक बार, आपने ये ए का बता देना मैम दोबारा। नहीं ये कुछ नहीं है बेटा, ओम इसका कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये वाला पेयर बनाओ इकट्ठा करो और ये वाला पेयर इकट्ठा करो, सीडी फॉर्मूला लगा दो। साइन ए प्लस साइन 7a, साइन 3a प्लस साइन 5a। अब मैं कह रही हूँ इन दोनों में लगा दो और पीछे वाले दोनों में लगा दो, इकट्ठा करके लिख दो इनको। cos 3a plus cos 5a,
ऊपर वाले में लगाओगे तो क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा इधर। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बोलो, टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस सेवन ए बाई टू मतलब फोर ए, ठीक है। कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी, ए माइनस सेवन ए करोगे तो माइनस सिक्स ए, माइनस सिक्स ए बाई टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री ए। पहला स्टेप समझ आया? यस मैम। इसी तरीके से इसमें भी लगा सकते हो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा एट ए बाई, एट ए बाई टू मतलब फोर ए, और cos c माइनस डी कितना हो जाएगा माइनस टू, तो ये माइनस ए बचेगा राइट अपॉन में। ये यहाँ पे cos c प्लस डी, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, टू cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, टू cos c प्लस डी बाई टू मतलब एट ए बाई टू मतलब फोर ए, इंटू cos c माइनस डी बाई टू कितना हो जाएगा cos c माइनस डी करोगे तो a माइनस सेवन ए मतलब माइनस सिक्स से तो अंदर आएगा माइनस थ्री ए, ठीक है। इसी तरीके से ये कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं टू साइन टू कॉस फोर ए कॉस माइनस ए इसमें, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या देखो, पहले तो इसको चेंज करके लिख लो, कोस के अंदर माइनस पड़ा है तो कोस के अंदर देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, कोई फर्क तो देगा नहीं, माइनस साइन हटा दू कोई दिक्कत नहीं देगा, तो ये हटा दो, इधर भी हटा दो, कोस के अंदर है, अगर साइन के अंदर होता ना तो हम माइनस साइन बाहर निकालते। तो अब कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो फॉर्मूला अभी भी नहीं बन रहा, तुम कुछ कॉमन ले सकते हो क्या ऊपर से, बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूँ फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कोस सेकंड में बताया था, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस ऑफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा कोस थ्री ही हो जाएगा, टू साइन फोर ए कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो टू साइन फोर ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया कोस थ्री ए प्लस कोस ए प्लस कोस ए अपॉन में, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है टू कॉस फोर ए फोर ए, अंदर क्या बच गया कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए, कुछ कट गया क्या? यस मैम, कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए से कॉस थ्री ए प्लस कॉस ए कट गया राइट, टू से टू गया, बन क्या गया टेन फोर ए, टेन फोर ए ऑप्शन कौन सा होगा करे, ठीक है समझ आया कुछ? यस मैम। फॉर्मूला फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए अभी तो तुम्हें, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, चलो अभी नेक्स्ट करो एक बार ट्राई, चलो ये ट्राई करो। देखो यहाँ पर भी तुम्हें दिख तो रहा है कॉस सी कॉस डी, बट तुम बना नहीं पाओगे, अब साइन को तुम ऐसे कॉस में चेंज नहीं कर पाओगे, एंगल 12 डिग्री है, कुछ भी कर लो ये इसमें आएगा ही नहीं, मतलब कॉस सेम में आएगा क्या, नहीं आ सकता, नो मैम, चेंज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, चेंज नहीं कर पाओगे तो और कोई लॉजिक लगा सकते हो। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इस बार एंगल सेम दे दिए, तो अगर मैं cos 12 डिग्री कॉमन ले लेती हूँ तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस टेन 12 डिग्री, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन 12 डिग्री, यही बनेगा। पिछली बार तो क्या था, जब तुम पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एंगल डिफरेंट थे, तो यहाँ से तुम cos कॉमन लेते तो यहाँ बनता साइन 70 डिग्री और नीचे cos 40 डिग्री, तो ये तो कुछ भी नहीं बन के देता हमें, लेकिन अभी यहाँ पर एंगल सेम है, मैंने cos 12 डिग्री कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन 12 डिग्री अपॉन कोस 12 डिग्री बनेगा, उसको मैंने क्या लिख दिया टेन 12 डिग्री, लिख सकती हूँ बोलो। यस मैम। ये कॉमन लेके दिखाऊंगा बेटा, स्टेप लिखो या समझ गए सब? मैम आगे ऊपर नीचे से ये वाला पार्ट कॉमन लिया है, अगर मैं ये कॉमन लूंगी तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन 12 डिग्री अपॉन में कोस 12 डिग्री, और नीचे भी मैं कोस 12 डिग्री कॉमन लूंगी तो 1 प्लस साइन 12 डिग्री अपॉन में कोस 12 डिग्री। अब मैंने ऊपर से भी cos 12 डिग्री कॉमन लिया, नीचे से भी, तो कट जाएगा कॉमन वाला पार्ट, तो सेम आएगा। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ये क्या है आपका tan 12 डिग्री और ये भी क्या है आपका tan 12 डिग्री, इसको भी कुछ लिख सकते हो sin 147 अपॉन cos 147 क्या हो जाएगा मैम tan 147। अच्छा ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ये ऐसे चमक नहीं रहा होगा बट हाँ मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा दिया है तुम्हें, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये, एक तुमने फॉर्मूला देखो, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस टेन 12 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो 10 मैम 10 पाई बाय 4 माइनस ए, हाँ सही है 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि 10 45 डिग्री तो आपका 1 ही होता है भाई, इस 1 को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया 10 45 डिग्री, यहाँ पर 1 इंटू 10 12 डिग्री
1 को मैंने क्या लिख दिया, टेन 45 डिग्री। अब ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, टेन ए माइनस टेन बी का, टेन 45 डिग्री माइनस 12 डिग्री। समझ आया? यस मैम। वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी बता दिया था कि यहाँ टेन 45 डिग्री होता है, तो तुमको पता है भाई टेन 45 1 होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, टेन 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा होता है, और टेन 45 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन उल्टे कर दो बस, 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद कर लो, तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज ये यहाँ से निकल के आया है भाई, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं tan a लिख रही हूँ ना 45 डिग्री पे, मेरे को 1 वैल्यू मिल रही है, तो अल्टीमेटली घूम के मेरा फॉर्मूला ये निकला है वैसे। तो इसकी जगह अब मैं ये लिख सकती हूँ क्या, tan 45 डिग्री माइनस 12 डिग्री प्लस tan 147 डिग्री तो है ही, ये कितना हो जाएगा tan 33 डिग्री। अच्छा इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan 180 माइनस 33 डिग्री। यस मैम। तो 147 को चेंज करके लिखा है 180 माइनस 33। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा माइनस 10 थीटा, तो 10 33 डिग्री माइनस 10 33 डिग्री। ठीक है, समझ गए क्या मेरी गलती क्या थी? यस मैम। क्लियर है, चलूं आगे? ओम बेटा समझ आ गया? यस मैम आ रहा हूं। जो रहा जवाब में, ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा ये अभी कराती हूँ, एक मिनट छोटा क्वेश्चन कर लो पहले, ये ट्राई करो, कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन में कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 10। अच्छा ये तो आपको चलो प्रूव करना है, चलो 10 55 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। अभी भी क्या, जो पिछले क्वेश्चन में हमने लॉजिक लगाया था, देखो एंगल सेम है, 10 डिग्री है दोनों तरफ, 10 बना सकते हो इधर, कॉमन ले लो, बन जाएगा ये एक स्टेप का क्वेश्चन है। यस मैम। ऊपर से भी cos 10 कॉमन है, तो नीचे से भी, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 10 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 माइनस 10 10 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, 10 45 प्लस थीटा वाला बन गया, राइट, तो ये क्या हो जाएगा। yes, 10, 55 डिग्री। ठीक है, सिंपल था ये तो, बिल्कुल पिछले वाले का ही शॉर्ट मेथड, शॉर्ट क्वेश्चन लगा लो, मतलब उसमें से ही छोटा सा निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, कोस 18 माइनस साइन 18, ये आपको सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इधर, थ्री फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, रीजन बताओ मैम, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो एंगल सेम मतलब एंगल डिफरेंट कर सकते, एंगल एंगल सेम नहीं बेटा, एंगल सेम नहीं, cos c cos d, तुम जब वो फॉर्मूला लगाते हो तो cos cos होता है या sin sin होता है, मैम वो sin का फॉर्मूला नहीं होता, समझ गए, देखो या तो ये होता है और या ये होता है, या फिर साइन सी प्लस साइन डी, या फिर साइन सी माइनस साइन डी, यही तो चार होते हैं ना। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है क्या कि कोस और साइन का कोई फॉर्मूला है, नहीं है, या तो कोस कोस के हैं या साइन साइन के, तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, या तो कोस कोस में बनाओ या साइन साइन में बनाओ, चेंज कर दो, चेंज कैसे करोगे भाई, इसको चेंज करके लिख लो, साइन 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 72, ये क्या हो जाएगा, कोस 18 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, अब इसमें लगा दो कोस सी माइनस कोस सी वाला फॉर्मूला, आंसर बताओ मेरे को फटाफट, अब तो बस आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, रूट टू साइन 27। हाँ प्रशांत बेटा ठीक है, प्रशांत तुम क्या खा के आते हो, प्रशांत आपने कहाँ तक कर लिया बेटा चैप्टर कवर आपके, मतलब जहां से भी आप कर रहे हो वहां पे, देखो ये cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला है, थोड़ा उल्टा था फॉर्मूले में, याद आया क्या था फॉर्मूला, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 वाला फॉर्मूला था ये, और मैंने बताया था अगर तुम्हें इसको ऐसे नहीं लिखना तो तुम माइनस कॉमन ले लो,
ये वाला अप्लाई करो फॉर्मूला, जैसे आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, देखो 2 sin c plus d by 2 मतलब 72 plus 18 कितना हो जाएगा, 90, 90 90 by 2 45 डिग्री, sin d minus e 72 minus 18 कितना हो जाएगा मैम माइनस मैम 54 माइनस 54 और अपॉन में 2 27 यस मैम माइनस के साथ, माइनस मैम नहीं माइनस क्यों कर रहे हो ना, डी बड़ा है और सी छोटा है तो 72 माइनस 18 कर रहे हो ना, यस मैम यस यस ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, इसको सॉल्व करना बस आपको, हो ही गया है तो सॉल्व। 45 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, साइन 27। अब 2 को क्या लिख सकते हो, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हो, अपॉन में रूट टू है ही, साइन 27 ये कितना आ जाएगा, रूट टू साइन 27 ठीक है, क्लियर यस मैम है, अप्लाई यस मैम करने आए फॉर्मूले। चलो आगे एक क्वेश्चन करो तुम, ये उसका दूसरे कॉन्सेप्ट का है वैसे, बट करो अच्छा क्वेश्चन। सीकेंट 8 थीटा माइनस वन अपॉन में सीकेंट 4 थीटा माइनस वन, ये आपको मैं बता देती हूँ, चलो आपको प्रूफ किसके इक्वल करना है, टेन 8 थीटा अपॉन में टेन 2 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। देखो सीकेंट में मैंने आपको कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई है ना, तो आप क्या करोगे इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो आप, cos 1/cos θ माइनस वन अपॉन में 1/cos 4θ-1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम ले लो, 1-cos 8θ अपॉन में cos 8θ। देखो ध्यान से मैंने ऐसे लिख दिया, समझ आ गया ना सबको मैंने क्या किया है, समझ आ गया भाई, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लोगे नीचे तो क्या बनेगा, 1-cos 4θ अपॉन में cos 4θ। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी ना, ऊपर लेके जाऊंगी तो उल्टा हो गया, तो cos 4 थीटा ऊपर चला गया और नीचे तो 1-cos 4θ है, बताओ समझ आ गया सबको ये स्टेप, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। अच्छा अब इसको चेंज करके लिख सकते हो आप, तुम क्या पढ़ के आए हो, 1-cos 2θ क्या होता है, 2 sin² θ/2, मतलब जो भी एंगल होता है उसका हाफ कर देते हो। अब मैं पूछ रही हूँ 1-cos 8θ बताओ क्या हो जाएगा, 2 sin² θ/2 मतलब 4θ ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 sin² 4θ, cos 4θ को as it is पड़े रहने दो, अपॉन में cos 8θ। अच्छा इसको भी चेंज करके लिख सकती हूँ, अब तुम बताओ इसको चेंज करके क्या लिखते हो, I'm 2 sin² 2θ 2 sin² 2θ ठीक है। मैम अब देखो आप क्या करो, एक साइन को यहाँ रख लो और उसको कोस के साथ ले लो। देखो क्यों ले रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनता नजर आ जाएगा यहाँ भाई, मैंने यहाँ से एक साइन ले लिया और एक कोस ले लिया, एक साइन बच गया ना आपका, साइन स्क्वायर 4θ था, एक तो मैंने ले लिया, एक बच गया, मैं इसको यहाँ 2 sin θ हो जाएगा, नहीं साइन थीटा अपॉन में कोस 8θ को एज इट इज पड़े रहने दो और 2 sin² θ को भी अभी के लिए एज इट इज ही पड़े रहने दो। देखो 2 से 2 अच्छा यही रहने दो, फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 sin a cos a बन गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, यस मैम 2 sin a cos a कितना होता है आपका, साइन टू ए टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8a लिख दो इसको, यस मैम मतलब 8θ, इसका ट्वाइस हो गया ना, अपॉन में क्या है, कॉस 8θ ठीक है, इसको मैं लिख, इसको मैं तोड़ सकती हूँ क्या, ये है साइन 4θ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 sin 2θ cos 2θ लिख सकती हूँ। अरे ये मैंने रिवर्स अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, यस मैम 2a था तो मैंने a लिखा, इधर क्या है 4θ था तो मैंने क्या लिख दिया, 2θ 2θ लिख दिया ठीक है। पहले मैंने ये इस तरीके से अप्लाई किया था फर्स्ट स्टेप में, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए, मैं इसको उल्टा ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, साइन 2θ आपको दे रखा है, आपको इसको तोड़ के लिखना है 2 sin θ cos θ ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 sin 2θ cos 2θ। तुम्हें ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम ये देखो, ये 2 sin a cos a है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, इसका मतलब साइन 4θ, क्या यही आ जाएगा, यस मैम ठीक है, अपॉन में क्या है आपका, 2 sin² 2θ पढ़ाई है, 2 से 2 गया ठीक है, साइन अब देखो साइन स्क्वायर 2θ है और ऊपर एक साइन 2θ, तो एक साइन 2θ से ये कट जाएगा, सिर्फ एक साइन 2θ बचेगा नीचे, दिख रहा है ना सबको, सिर्फ एक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8θ। अच्छा साइन 8θ अपॉन कोस 8θ को तो मैं लिख देती हूँ, टेंजेंट 8θ
8 थीटा, यहां पर मेरा क्या बन गया, कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, क्या होता है कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा। अब मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, 1/10 2 थीटा, क्या ये वही बन गया जो हमें प्रूव करना था, 10 8 थीटा अपॉन 10 2 थीटा। यस मैम, ठीक है, समझ आया? जो मुझे जवाब नहीं दे रहे उनके लिए ये मैम थोड़ा मैम ये वाला समझा देना, साइन 4 थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये वाला। अच्छा ये वाला, यस मैम, देखो मैं अलग से दोबारा करवाना चाहिए, साइन 4 थीटा अपॉन में सिर्फ ये वाला पार्ट कह रहे हो ना, देखो ये तो समझ आ गया, ये कट पिट के आपका 10 थीटा बन, 10 8 थीटा बन, यस मैम ये पता है, ये वाला बता रही हूं कि ये कोट 2 थीटा कैसे बना, यस साइन 4 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। एक काम करो तुम इसको तो क्या लिख लो, थोड़ा सा ओपन करके लिख लो इसको, ऐसे लिख लो 2 साइन 2 थीटा इनटू साइन 2 थीटा, लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा का मतलब यही है ना, साइन 2 थीटा इनटू साइन 2 थीटा, यस मैम। साइन 4 थीटा में प्रॉब्लम आ रही हो तुम्हें, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो तुम, साइन 2, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हो क्या रहा है बेसिकली, एंगल आधा हो रहा है, देखो 2 थीटा था तो थीटा मतलब हाफ कर रहे हो उसका डिवाइड बाय, ठीक है। तो अब आपको 2 थीटा की जगह इन्होंने साइन 4 थीटा दे दिया, तो तुम क्या करोगे, एंगल हाफ कैसे करोगे, साइन 2 थीटा 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 4 थीटा को चेंज करके मैंने ये लिख दिया, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो एक से एक गया, ये 2 से 2 गया, सिर्फ कितना बचा पोर्शन आपका, कॉस 2 थीटा कॉस में साइन 2 थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, क्लियर है? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, देखो ये ट्राई करो, इसे एक नया कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तुमने कंपोनेंट और डिविडेंड तो पढ़ा हुआ है क्या, कभी आया सामने कंपोनेंट और डिविडेंड? नो मैम, कभी नहीं आया। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड में क्या होता है, a by b is equal to c by d, आपको इस तरीके से कुछ दे रखा है, ठीक है, दोनों तरफ ये रेशियो बराबर है, तो आप क्या करते हो, नीचे वाले पार्ट को क्या करो, ऊपर वाले में ऐड कर दो, कर दिया, यही पार्ट ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दो, समझ आया मैंने क्या किया, a में जो डिनोमिनेटर था उसको ऐड कर दिया और उसी डिनोमिनेटर को माइनस करके मैंने नीचे लिख दिया, यही काम आप इस तरफ कर दो, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो अब भी जब ये सॉल्व करोगे दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, यही मेथड क्या होता है आपका, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्लियर है? एक बार ऑब्जर्व कर लो मैंने किया क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में ये चीज ऐड करके लिख दी और फिर नीचे क्या कर दिया, इनके बीच में माइनस साइन लगा दिया, या फिर यूं कह लो ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करके लिख दिया, इसी स्टेप को मैंने इधर भी कर दिया राइट हैंड साइड में, नीचे वाला जो था डी उसको सी में ऐड करके लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, C में D को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, ठीक है, तो मैम इनकी रेशियो सेम रहेगी, हाँ अभी भी तुम ये और ये सॉल्व करोगे ना सेम आएगा, कॉम्पोनेंडो एंड, ठीक है। अब देखो ये इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, अब देखो आपको ये दे रखा है B sin alpha is equals to, ये दे रखा है बड़ा सा, आपको ये निकालना है A plus B upon A minus B क्या होगा, b sin alpha is equals to दे रखा है तो क्या करो b by a निकाल लो, क्या हो जाएगा b by a sin alpha plus 2 beta upon में sin alpha, यही हो जाएगा, बस मैं ये नहीं क्या किया, a को इधर ले गई नीचे, sin alpha को इधर ले गई, इस स्टेप में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नो मैम, यहाँ पे अप्लाई करो आप कंपोनेंट और डिविडेंड, क्या आ जाएगा b plus a upon b minus a, ये किसके इक्वल आ जाएगा, sin अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब सॉल्व करो, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, नहीं नहीं रैशनलाइज क्यों करना,
रैशनलाइज नहीं करना, सीडी फॉर्मूला लगा लो, सीडी फॉर्मूला लग जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी तो ऊपर लग जाएगा, नीचे साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा। यस मैम। लगा लो फटाफट, लगा के बताओ आंसर क्या आ रहा है। साइन सी प्लस साइन डी होता है तुम्हारा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस सी सी माइनस डी बाई टू, लिख लो इसको ये फॉर्मूले, ये अप्लाई करो ऊपर, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये तो आपको ऊपर अप्लाई करना है, नीचे क्या है माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये अप्लाई करो बस ऊपर नीचे, देखो टू साइन c प्लस डी बाई टू, इसमें ये ऐड करोगे तो टू अल्फा प्लस टू बीटा, प्लस टू बीटा हो जाएगा, तो सिर्फ टू साइन अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, दूसरा क्या बचेगा कॉस सी माइनस डी, कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा, नीचे क्या बचेगा मैम टू कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा, ठीक है टू से टू गया, बेसिकली आपकी वैल्यू क्या आ गई बी प्लस ए, यही लिख देती हूँ, देखो बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए किसके इक्वल आ गया, अब इसको चेंज कर सकते हो क्या भाई, ये क्या चीज है tan अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या चीज है मैम cot, cot बीटा, cot को मैं क्या लिख दूं, cot को मैं ऐसे लिख दूं tan बीटा, यस मैम, ठीक है अब कर लोगे सॉल्व, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मैम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस मैम, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस बीटा, वहां ए माइनस बी पूछा हो ना, देखो आपका क्या आ रहा है इससे, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी पूछा हुआ है उन्होंने, तो आप क्या करोगे माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ, माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ रहा है टेन बीटा, ये आ रहा है आपका, इसको कोट में भी चेंज कर लोगे तो भी ऊपर कोट आएगा कोट बीटा अपॉन, तो एक माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ है बेटा फिर, नहीं 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 रुको रुको ऑप्शन में गड़बड़ क्यों है, जब इसको आप टेन में चेंज करोगे सॉरी कोट में, तो देखो ऊपर क्या है माइनस वन बाय कोट अल्फा प्लस बीटा, यही नीचे वन और नीचे क्या आएगा वन बाय कोट बीटा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ऑप्शन, बस उसको टेन में कोट में चेंज कर रखा है उन्होंने और कुछ नहीं कर रखा, गौरी बेटा समझ आया, डी ऑप्शन नहीं है सी ऑप्शन है, एक माइनस साइन है ना, देखो इसने ए माइनस भी पूछा था, हम लोगों ने बी माइनस ए निकाला, तो एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस राइट हैंड साइड में भेजोगे फिर आप, तो एक नेगेटिव आएगा, क्लियर है yes, ma'am. कॉम्पोनेंटो डिपेंडेंटो मेथड समझ आया, यहाँ पर अप्लाई किया हमने ये, ठीक है चलो ये ट्राई करो, अभी इनको छोड़ दो, तुम्हारा आंसर इसका एपी ही आएगा, तुमने एपी पढ़ रखा है अभी, एपी एपी की कंडीशन क्या होती है, मान लो थ्री नंबर्स आपने एपी में बता दिए, तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्या कंडीशन होती है, ट्वाइस ऑफ मिडल नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम नंबर्स, ये पढ़ा हुआ है, यस मैम पढ़ा हुआ है ना, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो तुम्हें पता है एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो तुम बोल तो b माइनस ए जो आएगा वो c माइनस बी के इक्वल आएगा, तो b को इधर ले जाओ c a को इधर ले जाओ, तो यहाँ से भी वही निकला आया, ठीक है 2b is equal to a plus c, जो मिडिल टर्म है वो उसके आजू बाजू में जो नंबर्स हैं उसके सम, उसका उसके सम के मतलब जो मिडिल टर्म का ट्वाइस करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आजू बाजू में जो नंबर लिखे हुए उसके सम के इक्वल आएगा, तो ये जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उसमें तुम्हें तो कुछ ऐसा ही मिलेगा 2b is equal to a plus c आना चाहिए, अभी तो ये एपी में होंगे ना, इसने पूछा एबीसी किसमें है, एपी में जीपी में एचपी में, जीपी एचपी तुमने पढ़ा नहीं हुआ तो अभी तो ऐसा है नहीं कि मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगी, तो एपी में आएगा, एपी में आ गया इसका मतलब ये इस तरीके से आ रहा है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, मिडल वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ आजू बाजू वाले नंबर्स, सॉल्व करो देखो इसमें क्या लगाओगे, अब तुम्हें क्या लग रहा है सीडी फॉर्मूला लगाओगे, बस सीडी फॉर्मूला लगाते तुम्हारा आंसर आ जाएगा,
डी फॉर्मूला लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी ऊपर लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी नीचे लगेगा, ऊपर लगाओगे तो क्या आएगा, देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस मैम टू कॉस ए प्लस बी सी सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ये तो तुम्हें ऊपर लगाना है, और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू साइन डी माइनस, हाँ डी माइनस सी बाय सी बाय टू, बस ये फॉर्मूला लगा दो, यही लगा दो, इसको रब कर देते हैं, देखो ऊपर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बाय टू साइन सी माइनस डी, मतलब ए माइनस सी बाय अपॉन में टू साइन सी प्लस डी बाय टू, मतलब ए प्लस सी बाय टू, साइन डी माइनस सी मतलब साइन ए माइनस सी बाय, तो ये तो गया आपका पोर्शन, ये भी गया आपका पोर्शन, तो क्या बच गया, सिर्फ कोट ए प्लस सी बाई टू बच गया, और ये किसके इक्वल दे रखा है, कोट बी के इक्वल, तो यहां से मैं लिख दूं ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, भाई दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके कोट भी इक्वल होते हैं, तो तुम रिवर्स कर लो, कोट मतलब कोट इक्वल दे रखा है तो एंगल भी इक्वल होते, यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, ये हो गया एपी में, यस मैम, ये प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा, समझ आ गया सबको, yes, चलू आगे, यस मैम, ठीक है, देखो सीडी फॉर्मूला का अप्लाई करने का तरीका आपको पता चल गया, अब क्वेश्चंस तुम कितने भी कर सकते हो, अब मैं तुम्हें तीन चीजें और बता रही हूँ, पहले एक बार ये और ट्राई करो क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जीरो, अच्छा ये कर लिया क्या आपने, उसमें डीपीपी में था क्या, मैम नहीं, टेंथ क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन, जीरो, ठीक है लॉजिकल है बिल्कुल, मतलब ये आपको बतानी है कि उन्होंने वो दे रखी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में कॉस 90 भी आएगा, ठीक है कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो ही आंसर आएगा, तो उसका आंसर क्या है जीरो, ठीक है इसी तरीके का एक टेंजेंट में है वो क्वेश्चन, वो कराती हूँ अभी एक बार, तुम ये देखो अगला टेंजेंट वाला ही है, ये भी कर रखा होगा फिर तुमने, नहीं करेगा इसमें ना पेयरिंग करते हैं, लास्ट और फर्स्ट की पेयरिंग करो, टेन वन डिग्री और टेन एटी नाइन डिग्री, टेन वन डिग्री तो एज इट इज रखो, टेन एटी नाइन डिग्री को क्या लिख सकते हो, टेन नाइनटी माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, कोट कोट वन डिग्री, अब ये वन आ जाएगा यस यस, ठीक है इसी तरीके से तुम टेन टू की किसके साथ करोगे, इसका आंसर वन आएगा, हाँ इसका वन आएगा, टेन टू की पेयरिंग किसके साथ करोगे, टेन एटी तुम्हें क्या देगा, वन देगा, टेन थ्री की किसके साथ करोगे, टेन एटी सेवन के साथ, वो भी वन देगा, सारी चीजें पेयर हो जाएंगी, वन देंगे आंसर, एक बचेगा बीच में जिसकी पेयरिंग नहीं होगी, टेन फोर्टी फाइव डिग्री कोई पेयरिंग नहीं होगी, राइट मैम, वो लेकिन वो वन ही होता है, तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन क्या हो जाएगा आपका, वन ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस मैम, अच्छा ये मैंने तुम्हें कल कराया था, बताओ चलो क्या लगाओगे तुम इसमें, ये मैंने तुम्हें कल कराया था, एक कुछ स्पेशल रिजल्ट्स पढ़ाए थे मैंने तुम्हें कल, याद हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं करा चुकी हूँ, ये इजी है, मैंने तुम्हें ये रिजल्ट कराया था, सिक्सटी प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थ्री थीटा कराया था, ऐसे क्या बैठ गए, तो यही लगेगा यहाँ पे, अब देखो लग कैसे रहा है यहाँ पे, अगर मैं थीटा 20 डिग्री मान के चलूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 माइनस थीटा 10 40 का आंसर 3 आ रहा है, 60 माइनस 20 पाई, तो बेटा ऑप्शन में नहीं है, 10 60 माइनस 20 डिग्री, अच्छा 10 80 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 60 प्लस 20, और ये 10 60 की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको एज इट इज मतलब इसकी वैल्यू रख दो, ये पूरा क्या हो जाएगा,
tan 3 थीटा मतलब tan 3 into में 20 डिग्री और ये tan 60 डिग्री है ही, tan 60 डिग्री की वैल्यू 3 होती है ना, रूट 3 सॉरी, तो ये भी क्या हो जाएगा tan 60 और ये भी क्या हो जाएगा tan 60, तो ये क्या हो गया रूट 3 into में रूट 3 मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तुम में से किसी को भी ध्यान नहीं आया था ये लॉजिक? नहीं आया मतलब, अभी आ गया ना, अभी हो गया क्लियर? Yes, yes, चलो नोट करो। अब देखो कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, ये फॉर्मूले नोट कर लो, ये शीट में नहीं है मतलब जो मैंने भेजे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इनके प्रूफ में देखो मैंने तुम्हें लगभग सब चीजों के प्रूफ कराए, इसके प्रूफ कराने में ना सिर्फ टाइम वेस्ट, बहुत बड़े बड़े इनके प्रूफ है और कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें अप्लाई करना आ रहा है ना बहुत है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो इनके प्रूफ अगर फिर भी तुम्हें चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें प्रूफ भेज दूंगी, ठीक है? मुझे बता देना चाहिए हो तो, अभी हाल फिलहाल प्रूफ नहीं कराऊंगी, काफी बड़े प्रूफ है। मतलब क्या है, देखो कुछ ना कुछ सीरीज लिखी मिलेगी, या तो साइन में मिलेगी या कोसाइन में मिलेगी। पहली सीरीज लिख लो साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये सीरीज क्यों है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस के साइन लगे हुए हैं, ठीक है? सीरीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, प्लस का साइन मिलेगा आपको, वो सीरीज होती है। साइन अल्फा प्लस टू बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ये डॉट 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 लिखा हुआ है, यहां तक चलेगा। इसका रिजल्ट क्या है, साइन एन बीटा अपॉन टू अपॉन में साइन बीटा अपॉन टू। अभी एक बार अप्लाई करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा ये, अभी के लिए बस लिख लो। लिख लिया तो बता देना, बताती हूँ उसमें चीज क्या क्या है। हो गया मैम। एक बात बताओ, ये जो एंगल दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, क्या ये एपी में है? अल्फा के अंदर बीटा ऐड कर दिया, फिर बीटा ऐड कर दिया, फिर बीटा ऐड, इस तरीके से बीटा बीटा ऐड कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ? बीटा के इक्वल है। यस मैम। ठीक है, अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? एन। हाँ नंबर ऑफ टर्म देखो, जीरो से स्टार्ट और एन माइनस वन तक जा रहा है, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स? n। ये तुम्हें पता चल गया एपी में है एंगल्स, कॉमन डिफरेंस का बीटा नंबर ऑफ टर्म्स। n माइनस 1 समझ नहीं आया, अपने लास्ट में n माइनस 1 बीटा लिख रखा है। मैम ये फार्मूला हो गया क्या लास्ट टर्म का? हाँ ये फार्मूला हो गया लास्ट टर्म, कैसे लिखते हो तुम a plus n minus 1 into d तो लिखते हो ना? यस मैम। तो इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट कर रखी है लास्ट टर्म, ठीक है? और क्या रहेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, अल्फा, एपी की बात कर रही हूँ मैं, एंगल ही बना रहे हैं एपी। फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन। इतनी चीज अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, सीधा क्वेश्चन ही लिखो। देखो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, साइन पाई बाय 18 प्लस साइन 2 पाई बाय 18 प्लस साइन 3 पाई बाय 18, ये चलता जाएगा प्लस साइन 35 पाई बाय 18। साइन में सीरीज है। अब आपको चेक करना है, आप ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब ऐसे ऐसे आपके एंगल्स एपी में बन रहे हो, तभी लगा सकते हो। तो चेक करो क्या यहाँ एंगल्स एपी में है। यस मैम, पाई की वैल्यू एपी में है ना, पाई बाय 18 था उसके अंदर, इन्होंने क्या पाई बाय 18 जोड़ दिया, फिर पाई बाय 18 मतलब कॉमन डिफरेंस बीटा के किसके इक्वल है, पाई बाय 18 के इक्वल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 36। नहीं बेटा 36 कैसे है, 35 तक है, 35 होगी ना, ठीक है 35 टर्म्स होगी। अल्फा क्या है आपका, फर्स्ट टर्म पाई बाय 18 है, ये जो पहला था ना देखो पीछे क्या था, अल्फा अल्फा ये था, ठीक है? बीटा पता चल गया, एन पता चल गया, अल्फा। अब देखो फॉर्मूले में क्या तुम्हें बीटा बाय 2 और चाहिए होता है, देखो बीटा बाय 2 तो बीटा बाय 2 और निकालो, बीटा तुम्हें पता चल गया पाई बाय 18 है, तो बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 36, ठीक है? बस अब फॉर्मूले में चीजें पुट कर दो और कुछ नहीं,
फॉर्मूला क्या है? साइन एन बीटा बाय टू अपॉन में साइन बीटा बाय टू इंटू में साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, यही है फॉर्मूला। तो पुट करो, देखो साइन एन की वैल्यू क्या है 35, बीटा बाय टू की वैल्यू क्या है पाई बाय 36, तो मैं लिख दूं साइन 35 पाई बाय 36 अपॉन में साइन बीटा बाय टू कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 36। क्लियर है? जस्ट पुट किए मैंने वैल्यूज और कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद यहां पुट करो साइन अल्फा क्या है आपका पाई बाय 18, एन माइनस वन, एन 35 है माइनस वन करोगे तो 34, बीटा बाय टू कितना है पाई बाय 36, तो यही हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक लिखा है? बोलो। यस मैम। बस अब इसको ऐड करके देख लो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐड करो इसको एक बार कितना आ रहा है मैम 35 पाई बाय 36। बेटा क्या ऐड कर दिया पाई बाय 18 प्लस 34 मैम साइन पाई आएगा। हां साइन पाई बन रहा है ना, देखो इसको काट लो ना, ये 17 अपॉन यस मैम 18 बनेगा, तो ये 18 पाई बाय 18 हो गया, तो पाई बन गया। साइन पाई क्या होता है? जीरो। ठीक है, साइन पाई जीरो होता है, तो ये इस पूरे को सॉल्व करोगे बनेगा साइन पाई, साइन पाई जीरो होता है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलूं आगे? एक देखो सेम कोस की भी सीरीज ऐसे ही आएगी आपकी, कोस लिखा होगा साइन की जगह, बस एक चेंज आएगा, क्या चेंज कर लेना ये साइन की जगह क्या आ जाएगा, इस वाले साइन की जगह कोस लिख देना, कोस में बाकी सब सेम है, इस साइन की जगह क्या लिख देना सेम नहीं सॉरी मतलब यहाँ साइन की जगह कोस हो जाएगा और फॉर्मूले में सिर्फ इसकी जगह कोस कर देना। ठीक है, कर लोगे? ओके मैम। लिख लोगे ना, कहीं गलत लिख लो फॉर्मूला? नो मैम। कितना हो जाएगा साइन एन बीटा अपॉन में साइन बीटा बाय टू। मैम आपने यहाँ पे बाय टू नहीं लिखा साइन एन बीटा पे। ठीक है, हो गया नोट डाउन? क्वेश्चन दो, अब कोर्स वाला क्वेश्चन करके देख लो एक। यस सर। कोस पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, कोस 7 पाई बाय 7। पहले तो ये चेक करो क्या तुम पीछे वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो, क्या एंगल एपी पे है? यस मैम। यस मैम। अगला जो मिलेगा ना वो 3 पाई बाय 7 मिलेगा, मतलब पाई बाय 7 सब में ऐड हो रहा है। अल्फा क्या है पाई बाय 7, बीटा क्या है कॉमन डिफरेंस कितना है पाई बाय 7, एन कितना है यहाँ पे 1 था 1 2 जा रहे हैं 7, तो 7 टर्म हो गई। ओके बीटा बाय 2 और निकालो कितना हो गया पाई बाय 14, भाई बीटा पाई बाय 7 है तो बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा पाई बाय 14। यस मैम। बस आप उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में क्या था आपका साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन में साइन, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा ये, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय, बस यहाँ चीजें पुट कर दो। साइन एन बीटा बाय टू क्या हो जाएगा, देखो साइन एन, एन क्या है आपका 7, बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2 मतलब साइन पाई बाय 7, यही होएगा। यस नो मैम। मैम 7 आपने मैम ऊपर गलत लिख दिया। गड़बड़ गई, क्या गड़बड़ गई, बीटा बाय 2 ऊपर 7 पाई बाय 14 आना चाहिए ना, 28 आ जाएगा शायद मैम। हाँ ठीक है, मैंने बीटा ले लिया, बीटा बाय 2 की वैल्यू पाई बाय 14 है तो 7 इनटू पाई बाय 14 करोगे तो पाई बाय 2 ही बचेगा बस। मैम नीचे भी पाई बाय बीटा बाय 2 है तो मैम ये भी पाई बाय 14 होना चाहिए। कोस अल्फा क्या है पाई बाय 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 6, बीटा बाय 2 कितना है पाई बाय 14। ठीक है, यही आ रहा है।
चेक कर लो, अभी कोई गड़बड़ कर दी क्या? ठीक है, साइन पाई बाय टू तो वन ही हो जाएगा, ठीक है, इसको यहीं चेंज कर देती हूँ, वन लिख देती हूँ इसके लिए, इसको भी अच्छे से लिख देते हैं, वन अपॉन में 14. अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6/14 तो 3/7, तो 4π/7 बनेगा यहाँ से, 1/sin π/14 cos 4π/7 यही बनेगा, एक बार बताओ भाई, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 2 से काट दिया पहले तो 3π/7 बनेगा, π/7 + 3π/7 कितना हो जाएगा 4π/7. अब देखो अब प्रॉब्लम आ गई, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, अच्छी खासी वैल्यू आ रही थी, साइन पाई जीरो हो गया था, यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, फंस गए हम, नीचे तो साइन पाई बाय 14 ऊपर कोस 4π/7 है, ठीक है, कोई जुगाड़बाजी कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पाई बाय 14 है, इधर भी हम लोग नीचे 14 लेके आने की कोशिश करते हैं, नीचे 14 कैसे आएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा 8π, नीचे क्या बनेगा 14, तो हो गया 1/sin π/14 इंटू में cos 8π/14, इतना समझ आया सबको? अब मैंने ये क्यों किया तुम्हें समझ आ जाएगा, इसको चेंज कर सकते हो तुम इस फॉर्मेट में, अगर 8π/14 में से मैं π/14 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है, π/2 मिलता है, राइट एंगल रहेंगे, लाइट एंगल है ना, लाइट एंगल में यही था, या तो ऐड करो तो पाई बाय टू का मल्टीपल आना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करो तो पाई बाय टू का मल्टीपल आना चाहिए, तो मैं लिख दूं 8π/14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय टू प्लस पाई बाय 14, तो यहाँ चेंज कर दो, ये आ जाएगा 1/sin π/14 इंटू में, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 14. अब ये क्या हो जाएगा जो ऊपर लिखा है कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा, तो ऊपर तो बनेगा साइन पाई बाय 14 तो बनेगा ही, और साइन क्या आएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 14 मतलब 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और नीचे क्या है साइन पाई बाय 14 है ही, बट के आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 1, ठीक है, समझ आया? चलूं आगे, अब देखो एक और क्वेश्चन है, उसमें देखो डायरेक्ट तुम्हें चमकेगा नहीं, उसमें तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अब देखो सपोज ये दे रखा है 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 8π/7, ये दे रखा है आपको, अब आप फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपके एंगल्स में क्या एंगल्स किस में हो, एपी में हो, क्या एंगल्स एपी में है? नो मैम, नो मैम, एंगल्स एपी में नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा, या तो एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो ये मेरे को बड़ा लग रहा है, ये एंगल पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है ना, यस मैम, भाई 7π/7 होता तो आपको पाई मिलता, बट ये ऊपर उन्होंने 8 कर दिया, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दो, ये बड़ा है तो थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ cos पाई प्लस पाई बाय 7 लिख सकती हूँ, यस मैम, ये क्या हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 7 cos 180 का थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, ये 180 क्या है इवन मल्टीपल है 90 का, इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, और 90 प्लस थीटा ये कौन, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ठीक है, yes. अब देखो ये आ गया, इसको सॉल्व करके मैं यहां तक पहुंच गई, तो मेरा तो एक माइनस साइन आ गया अपनी तरफ से, आगे तो कोई माइनस साइन है ही नहीं, तो अब मेरा दिमाग इतना चलना चाहिए कि इधर माइनस आ गया, अगर उन दोनों में भी कैसे भी करके माइनस आ जाए, माइनस कॉमन ले लूंगी मैं, चला दिमाग, इधर माइनस आ गया, मुझे माइनस नहीं चाहिए, बाकी दोनों क्वांटिटीज तो पॉजिटिव है, तो मैं कैसे लगाऊंगी फॉर्मूला, तो वहां पर भी कन्वर्ट करो कि तुम्हारा माइनस दोनों से बाहर आ जाए, फिर तुम ओवरऑल पूरे सीरीज से माइनस कॉमन ले सकते हो, 2π/7 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, तोड़ सकती हूँ क्या बताओ, बस तोड़ने में ही दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना इसमें, 2π/7 को पाई माइनस 5π/7 लिख सकती हूँ, भाई तुम yes. देख लो ना 2π/7 में मैं क्या ऐड करूँगी पाई बन जाए, टू पाई बाय सेवन में मैं क्या ऐड करूँगी पाई बन जाए, 5π/7 ऐड करूँगी तभी पाई बनेगा,
तो यहाँ से मेरे को चमक गया 2 पाई बाय 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ पाई माइनस 5 पाई बाय 7, तो ऐसे ही मैं 4 पाई बाय 7 को क्या लिख सकती हूँ, अब तुम बताओगे 4 पाई बाय 7 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि मेरे पास पाई बन जाए, 3 पाई बाय 7 ही ऐड करूंगी ना, यस मैम, तभी पाई बनेगा। अब 4 पाई बाय 7 को क्या लिख सकती हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 7, देखो अब तुम्हारा माइनस आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और एक ही माइनस तुम्हारा इधर था ही, माइनस पूरे से बाहर ले लो और थोड़ा इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, भाई पाई बाय 7 पीछे गया हुआ है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बात तो एक ही है, आगे पीछे कर दो। यस मैम, अब देखो ये बन गया एपी में, यस मैम बन गया एपी में, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना इसमें, अल्फा क्या है पाई बाय 7, पाई बाय 7, बीटा क्या है 2 पाई बाय 7, बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 14, नहीं नहीं पाई बाय नहीं कट जाएगा, पाई बाय 5 बाय 7 हो जाएगा, 5 बाय 7, n क्या है, तीन ही टर्म्स हैं मैम, टर्म्स देखो ना तीन ही टर्म्स हैं, 3, ठीक है 3 टर्म्स हैं, तो अब लगा लो फॉर्मूला, अब तो सॉल्व ही करना है, आंसर बताओ फटाफट। इतना ही रखते हैं आज, तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा बाकी तो मुझे लग रहा है। नहीं हमारी 7 बजे तक है ना क्लास, इतना ही क्यों रखते हैं, अभी तो एक क्वेश्चन और कर सकते हो तुम। बेटा एक बात बताओ, जो बच्चे जुड़े हुए सबको समझ आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को बता सकते हो आप, प्रॉब्लम बताओगे उस हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए हैं क्या, क्या आ रहा है आंसर, ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है ये बताओ। मैम माइनस 1/8 आ रहा है क्या आंसर, नहीं बेटा माइनस 1/2 है आंसर, ये सॉल्व करने के बाद बताओ क्या आ रहा है, क्या 3 पाई बाय 7 आ रहा है क्या तुम्हारा ये सॉल्व करने पे, यस मैम माइनस 1/2 इक्वल हो गया था थोड़ा सा, ये जब तुम सॉल्व करोगे ना वैल्यूज पुट करके तो ये 3 पाई बाय 7 आएगा, ठीक है। अब जिसका दिमाग यहाँ चला है ना, मतलब उसको चीजें समझ आ रही है, क्या चला दिमाग समीक्षा इधर बेटा आपका, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो मैम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी तो क्या बनेगा ये मैम, साइन 2a, हां साइन 2a बनेगा, तो साइन 2a को क्या लिख सकती हूं मैं, देखो यहां लिख रही हूं साइन 2a कितना हो जाएगा 6 पाई बाय 7, और नीचे क्या बनेगा आपका साइन पाई बाय 7। अब देखो ये भी दोनों अलाइड एंगल्स है, ये अलाइड एंगल्स है, 6 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 7 कितना होता है पाई के इक्वल होता है, तो मैं क्या लिख दूं 6 पाई बाय 7 को तोड़ के मैं क्या लिख सकती हूं, देखो ये ऐसे है 6 पाई बाय 7 अपॉन में sin पाई बाय 7 है, भाई 6 पाई बाय 7 प्लस में पाई बाय 7 क्या होता है पाई के इक्वल होता है, तो पाई बाय 5 बाय 7, हां 6 पाई बाय 7 को मैं क्या लिख सकती हूं पाई माइनस पाई बाय 7, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस sin पाई माइनस पाई बाय 7 अपॉन में sin पाई बाय 7, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा
देखो मैं एक टू लिखना भूल गई, इधर ये टू भी था नीचे, ये भी लिख लो, तो ये कट के क्या आ जाएगा, माइनस वन बाय टू। ठीक है, समझ आया? मैम एक बार फिर से बता देना मुझे। कौन सा समझाना बेटा, कहाँ से समझाऊँ तो? देखो ये ब्लू पोर्शन का अपने दिखाया। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट की थी तो मेरा ये आंसर आ गया था, साइन 3π/7 कोस 3π/7 अपॉन में साइन 5/7, ये मेरा आंसर आ गया था। अब मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, टू साइन ए कोस ए, टू साइन ए कोस ए आपका होता है साइन टू ए, साइन टू ए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन टू ए लिखोगे तो मतलब साइन टू इंटू में 3π/7 अपॉन में 2 sin π/7 एज इट इज है। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 6π/7, नीचे क्या हो गया, 2 sin π/7। अब तुम्हें दिख रहा है ये दोनों क्या है, अलाइड एंगल्स है। 6π/7 प्लस π/7 क्या होता है, पाई के इक्वल। तो यहां से मैंने 6π/7 की वैल्यू क्या निकाली, पाई माइनस पाई बाय सेवन। फिर मैंने ये पुट कर दिया पाई माइनस पाई बाय सेवन, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या हो गया, साइन पाई बाय सेवन के इक्वल कट गया, तो माइनस वन बाय टू आंसर आ गया। ठीक है, कौन आया अभी इतनी लेट, ओम बेटा इतना लेट कैसे आए हो आज आप? ओम जी दूसरा है ना, दूसरा बच्चा है ना, ओम अलग है, एक ओम जी अलग है। ठीक है, एक फॉर्मूला नोट कर लो, एक एक फॉर्मूले का टाइम हो रहा है। कराऊ ना, करा दो ना एक फॉर्मूला और। मैम फॉर्मूला करवा दीजिए, क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन तो यूं है कि एक बार तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए ना, छोटा ही है क्वेश्चन भी, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है छोटा सा है, दो लाइन का बस। देखो फॉर्मूला ये है, कॉस थीटा यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन है। ठीक है, कॉस के प्रोडक्ट मिलेंगे तुम्हें, कॉस टू की पावर टू थीटा, कॉस टू की पावर थ्री थीटा, कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, टू की पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, एंगल में टू की पावर बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन टू की पावर एन थीटा अपॉन में टू की पावर एन साइन थीटा। छोटा है फॉर्मूला, बड़ा नहीं है। तो ऑब्जर्व करो चीजें कैसे हो रही है, टू की पावर क्या आ रही है, एन, यहाँ पे टू की पावर क्या है, एन माइनस वन। तो मतलब आंसर में मान लो यहाँ 32 होगा, 32 को तुम क्या मान लो, इधर 32, 2 की पावर n माइनस 1 की जगह 32 लिखो, 32 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5। यस मैम। तो जब तुम इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 6 लिखोगे। समझ आया, 5 प्लस 1, इधर n माइनस 1 था, एक ऐड कर रहे हो, n आ रहा है। समझ आया डिफरेंस? यस मैम। बाकी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत, नीचे भी 2 की पावर n है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्वेश्चन ले लो, बहुत दो लाइन का ही है, छोटा सा है, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा इसको लगाना कैसे है। 64 cos π/65, cos 2π/65, cos 4π/65, देखो कितना गंदा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बस ये। इधर इधर 0 थी 2 की पावर 1, इधर 2 होगी 2 की पावर 3 होगी, 4 होगी, इधर कितनी होगी, 2 की पावर 5 होगी, होगी ना, 32 का मतलब 2 की पावर 5 ही होता है। देख पा रहे हो ना, इधर देखो 2 की पावर 0 थी, इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 3, इसी तरीके से इधर 2 की पावर 0 है, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 4 है, और थीटा क्या है आपका, 5/65। 64 cos 2 की पावर 0 π/65 इंटू cos 2 की पावर 1 π/65। अब कंपेयर कर पा रहे हो, 2 की पावर 2 π/65, 65, 2 की पावर 3 π/65, cos 2 की पावर 4 π/65, लास्ट क्या हो जाएगा, cos 2 की पावर 5 π/65।
थीटा क्या है यहाँ पे कंपेयर करो, थीटा क्या है पाई बाय 65, और ये तो 2 की पावर्स इंक्रीज हो ही रही है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 64 तो बाहर है ही, वो तो पढ़े रहने दो, साइन 2 की पावर n, यहाँ पर 2 की पावर ये क्या था फॉर्मूले में n माइनस 1, तुम जो यहाँ पावर आ रही थी उसके एक ऐड करके लिख रहे थे राइट, n माइनस 1 थी एक ऐड करके लिख रहे थे, तो तुम यहाँ क्या लिख दोगे 2 की पावर 6 थीटा, थीटा क्या है आपका अपॉन में 2 की पावर 6 साइन थीटा, साइन पाई बाय 65, ठीक है 2 की पावर 6 64 ही होता है, ये तो गया, बच क्या गया आपका, सिर्फ इतना पार्ट बच गया, देखो ये भी सॉल्व कर सकते हो तुम इजीली, कैसे सॉल्व करोगे इसको भाई, 2 की पावर 6 करके देख लो, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो तुम लिखो एक बार साइन 64 पाई अपॉन में 65 अपॉन में क्या है साइन पाई बाय 65, एलाइड एंगल्स बन गए, यस मैम ठीक है, ऊपर वाले को तुम क्या लिख सकते हो साइन पाई माइनस माइनस क्या वन आ जाएगा आंसर, ठीक है कहाँ बोलो मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ बोल रहे बहुत सारे 64 आ गए समझ, बेटा समझ आ रहा है क्या बच्चा क्या बोल रहा है।